पोर्टेबल बनाना, यदि नहीं जानते तो आज की वीडियो हमारी एनवीडीए पोर्टेबल के ऊपर है। दोस्तों, ये एनवीडीए पोर्टेबल कब काम आता है देखिए हम बताते हैं आपको। जब आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में एनवीडीए इंस्टॉल नहीं है तो आप इस पोर्टेबल को काम में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिना इंस्टॉल किए हुए भी चल सकता है। इसे कहते हैं एनवीडीए बिना इंस्टॉल किया हुआ चलाना। ठीक है, तो हम एनवीडीए से आज आपको पोर्टेबल बनाना सिखाएंगे। ठीक है, इससे पहले आपको एक फोल्डर बनाना पड़ता है। आप कहीं भी बनाए, चाहे म्यूजिक में या डाउनलोड में, वीडियो में, कहीं भी डेस्कटॉप पे बना सकते हो आप। तो हम डेस्कटॉप पे बनाएंगे और फिर एनवीडीए के मेन्यू में जाकर हम आपको पोर्टेबल बनाना सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पर और हमारे वीडियो को शुरू करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें वीडियो का फीडबैक जरूर दें। ठीक है दोस्तों, तो हम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं डेस्कटॉप पर, विंडो टी करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि ये सब सिलेक्टेड है तो इन्हें नॉट सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल स्पेस करेंगे हम यहाँ पर। देखिए नॉट सिलेक्टेड इसने बोला। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन बटन करना है। यदि आपके में एप्लीकेशन बटन नहीं है तो आप शिफ्ट बटन कर सकते हैं। ठीक है, हम शिफ्ट बटन करेंगे। ठीक है, हमने शिफ्ट बटन दबाया। अब आपको अप एरो करते जाना, न्यू पर जाना है। अब यहाँ पर राइट एरो करना है आपको, फोल्डर ऐड। अब आपको फोल्डर का नेम दे देना है, जो फोल्डर आपको रखना है। ठीक है, हम दे रहे हैं NVIDIA पोर्टेबल, क्योंकि हमें NVIDIA का पोर्टेबल बनाना है तो हम वही नाम देंगे। ठीक है, ठीक है, ये डेस्कटॉप पर आ चुका है NVIDIA पोर्टेबल के नाम से। अब चलते हैं NVIDIA के मेन्यू में और बना लेते हैं पोर्टेबल। यही ऑप्शन है हमारे काम का, क्रिएट पोर्टेबल कॉपी। आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब आपको टैप करना है यहाँ पर। ठीक है, ब्राउज, ब्राउज बटन मिलेगा आपको। ब्राउज पे आपको स्पेस करना है और आपसे ये पूछेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो आपको डेस्कटॉप, मतलब जिस में आपने फोल्डर बनाया है वीडियो में या डेस्कटॉप पे, आप वहां जाएंगे और अपना फोल्डर का नेम पर, ठीक है, स्पेस प्रेस। यहां पे हमने सेलेक्ट फोल्डर बटन, ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर हमने जैसे ही स्पेस किया तो इसने बोला कि सेलेक्ट फोल्डर। अभी हम सेलेक्ट फोल्डर नहीं करेंगे, आगे टैप करेंगे। पहले हम कैंसिल बटन, ठीक है, इस पीसी पे फोकस है तो हमें डेस्कटॉप लेना है यहां से। Tab address colon this PC toolbar all locations enter address combo box tab search this PC tab items view list folders grouping expanded 3D objects not selected command module toolbar. ठीक है, अब this PC में है। अब यहाँ पर हम down arrow करते हैं। Down arrow context menu. रुकिए दोस्तों, select portable the tab preview level 1 this PC select tab items view list folders grouping expanded 3D objects not selected down arrow desktop. Desktop, ठीक है, हमने down arrow किया तो desktop आ गया। अब यहाँ पर हमें enter करना होगा। Enter items view list Excel basic not selected. ठीक है, ये list आ गई है desktop की. Space. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर n press करना है। ठीक है, not portable. NVIDIA Portable, इसने नाम बोल दिया है, आगे टैप करना है हमें। Tab, header list, name, split button, collapse, tab, folder, colon, edit, line, one, not portable. ठीक है, यहाँ पर एक फोल्डर का नेम शो कर रहा है, आगे टैप करेंगे। Tab, select folder button. Select folder, यहाँ पर स्पेस करना है आपको, ठीक है? Space pressed, create portable, NVIDIA dialog, to create a portable copy. अब आपको क्या करना है? आपको सीधा सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है? Tab, copy current user configuration checkbox, not check alt plus U. ये भी नो चेक है। Tab, start a new portable copy after creation checkbox, not check alt plus S. ये भी नो चेक है। इन दोनों ऑप्शनों को आपको नो चेक करना है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं करना आपको। आगे टाइप करेंगे। Tab, continue, but not continue. बस वो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है तो आपकी क्रिएट पोर्टेबल कॉपी बनने शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखिए ये प्रोसेस शुरू हो गई है, अब कुछ ही देर में ये पोर्टेबल तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये शुरू हो रही है, प्लीज वेट के लिए बोल रहा है आपको, फिर आप इसको यूज में ले सकते हो। ठीक है, हमें तब तक के लिए वेट करना होगा, अभी कुछ देर में बन जाते हैं, अभी थोड़ा वेट करना होगा हमें। Please wait. Success हो चुकी है। ठीक है, अब आपको स्पेस कर देना है यहाँ पर। Space.
ठीक है, अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पर और इस फोल्डर को यूज करके दिखाते हैं आपको। Windows plus D, folder view list, incomparable 18 of 28. ठीक है, NVDA portable पर हमारा फोकस है, हम यहाँ पर एंटर करेंगे। Enter. अब ये ओपन हो चुका है फोल्डर हमारा, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एन प्रेस कर देना है। जो हमारा NVDA चल रहा है वो बंद हो जाएगा, और जो NVDA हमने अभी बनाया है पोर्टेबल वो ऑन हो जाएगा। तो हम एन प्रेस करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एंटर करेंगे। देखिए ये ऑफ हो गया है, वो ऑन हो जाएगा, अब ऑन भी हो गया। अब देखिए लोडिंग इन, ये बोल क्या NVDA, यस बटन, नो बटन, ऑल प्लस इट। ये है हमारा पोर्टेबल। अब दोबारा से हमें उसी NVDA पे जाना है जो हमें चलाना है, चलाया रखा था पहले, तो ऑल्ट कंट्रोल एन करना है आपको। टास्क बार हमने कर दिया ऑल्ट कंट्रोल एन। अब देखिए फिर से उसी NVDA के ऊपर आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि NVDA पोर्टेबल होता क्या है, ये इस तरह से यूज होता है आपके NVDA सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे हम फिर मिलेंगे किसी न किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। With folder view, alt, shut up, tab, okay, space, press.